दोस्तों आपको अगर कोई इंस्टाग्राम पर मैसेज करें और रात को मिलने के लिए बुलाएं तो जाने से पहले इस खबर को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आपके साथ भी कहीं ऐसा नहीं हो जाए। हालांकि इस खबर में कई सारे ऐसे पहलू हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि आज किस विषय को लेकर हम बात करने वाले हैं। दरअसल एक छात्रा जो स्कूल में पढ़ती थी और जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल के अध्यापक के प्रति उसका अट्रैक्शन था, स्कूल से निकल गई, दूसरी जगह पढ़ाई करने लगी और फिर शिक्षक दिवस पर वो युवती अपने शिक्षक को एक मैसेज करती है, शिक्षक दिवस पर बधाई देती है और धीरे धीरे कर दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है और ये घटना 22 अक्टूबर की होती है, यानी कि करीब 1.5 महीने की इस बातचीत में उस युवती ने एक ऐसा जाल फंसाया, ऐसी एक साजिश रची कि कुछ लोगों ने और उस युवती ने मिलकर के उस शिक्षक को बंधक बना दिया, रात को 12 बजे अपने कमरे में बुलाया और फिर 21 लाख रुपए की डिमांड कर दी। आखिर समझौता 5 लाख पर हुआ, लेकिन वो शिक्षक भी समझदार था, उसके परिवार के लोगों ने समझदारी दिखाते हुए पैसे नहीं बल्कि पुलिस को इतला दी, जो आप और हम सबको करना चाहिए। फिर क्या था, राजस्थान की पुलिस अपने तमाम उन उपयोगों से टेक्निकल यूज लेते हुए उन लोगों तक पहुंची जहां पर वो शिक्षक बंधक बनाया हुआ था, उस महिला को भी, युवती को भी धर दबोचा और उसके साथियों को भी धर दबोचा। दरअसल ये कहानी क्या है, मैं समझाता हूं आपको। बाड़मेर के धोरीमना सेड़वा के पास में एक गांव है जहां एक युवती एक स्कूल में पढ़ती थी, शिक्षक को मैसेज किया, दोस्ती होगी जैसा मैंने पहले बताया। फिर उस युवती का बाड़मेर में सीईटी का एग्जाम था और शिक्षक को मैसेज किया कि मेरा एग्जाम है, यहाँ पर मेरे बुआ के बेटे भाई और बहन का रूम है, वो एग्जाम देने के लिए जोधपुर चले जाएंगे और तुम 12 बजे के बाद मेरे रूम में आ जाना। शिक्षक उनके रूम में जाता है, वहाँ जैसे ही रूम में जाता है तो नेचुरल सी बात है, एक युवती और शिक्षक दोनों जाते हैं तो कुछ असंदिग्ध हालात में वो शिक्षक होता है। इतने में युवती के 2 मिनट बाहर जाके आ रही हूँ, बाहर जाती है और वापस अपने साथियों को बुला करके उस कमरे के अंदर आ जाती है। उस शिक्षक को बांध दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है कि 21 लाख रुपए दो नहीं तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। शिक्षक ने अपने भाई को फोन किया, भाई आया, आने से पहले उसने पुलिस को इतला कर दी और पुलिस ने चारों ओर से उनको घेर लिया था और उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। उस शिक्षक ने मामला दर्ज करवाया, उस हनी ट्रैप के मामले में पुलिस ने उस युवती और उसके 3 साथियों को भी दस्तयाब किया है, पूरे मामले को लेकर कार्यवाही चल रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि लगातार जो हम चीज़ें ये देख रहे हैं, हमारे आसपास ऐसी रोजाना घटनाएँ होती हैं, न जाने ऐसे कितने किरदार हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन बावजूद उसके कई लोग ऐसे लोगों के जाल में फंस जाते हैं और ऐसे लोगों को ये शिकार बना देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे में हालांकि पुलिस समय समय पर कार्रवाई तो करती है, लेकिन इसमें सजगता जागरूकता जरूरी है जो आपको भी इस ब्लैकमेलिंग के मामलों में बचाएगी, फिर आपको हनी ट्रैप जैसे मामले नहीं दर्ज करवाने पड़ेंगे। ये पहला मामला नहीं है बाड़मेर का हनी ट्रैप का इस तरीके का, हालांकि ऐसे कई सारे मामले हैं जो पुलिस तक तो पहुँचते ही नहीं हैं, उससे पहले ही कई लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसे लोगों को पैसे दे देते हैं और फिर मामला रफा दफा हो जाता है। ये सब करने से भला है कि इन चीजों से दूर रहें, ताकि आपकी बदनामी भी नहीं होगी और आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। और मैं ऐसे लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि आपको पैसे कमाने हैं तो अच्छे काम करिए, मेहनत करिए, व्यापार करिए, काम धंधा करिए, इस प्रकार पैसे कमाओगे तो हाल इस युवती जैसे और इन 3 लड़कों जैसे होंगे जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। अधिक से अधिक दोस्तों तक ये खबर फैलाएं, इंस्टाग्राम चलाने वाले, दोस्ती करने वाले लोगों के लिए ये खास और महत्वपूर्ण जानकारी है। धन्यवाद।